गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना बेटा। तो कल अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो या रेडिएशंस बोल दो। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा। इसमें किसी को डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक कोई डाउट है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनकी डेफिनेशन में किसी को डाउट है बच्चों? बोलो। कोई डाउट? देवाशीष, देखो बेटा सुनो, हमने एक टर्म लिया था वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ जानते हो? तो वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, नाम से पता लग रहा है, देखो है ना। लेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ का मतलब, वेवलेंथ क्या है ना, आपकी वेव की लेंथ है। अब देखो, अब वेव की लेंथ का मतलब क्या हुआ? ये मीनिंग हुआ बेटा, है ना, एक वेव में क्या होता है, एक इस तरह से क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है नहीं होता बच्चों। तो यहां से लेकर यहां तक इसको अपन क्या बोलते हैं, ये एक वेव है बच्चों, ठीक है, ये पूरी एक वेव है ना। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो कैसे। देखो इसको अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, दो कंटिन्यूअस जो आपके क्रेस्ट है ना, उनके बीच की डिस्टेंस ये होगी, ये भी तो लैम्डा ही है। बोलो बच्चों, ये भी तो लैम्डा ही है। कैसे पता लगा लैम्डा? देखो एक वेव में क्या होता है बच्चों, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है बच्चों। ये जैसे आपका क्रेस्ट है बच्चों, और ये क्या है जो? अब देखो इसमें, देखो ये क्रेस्ट तो पूरा पूरा, सॉरी ट्रफ तो पूरा पूरा आ गया, आधा क्रेस्ट इधर से आया और आधा क्रेस्ट इधर से आया, तो पूरा हो गया ना, पूरा हो गया बच्चों, हो गया। समझ में आ गई बात देवाशीष? समझ में आया तेरे को? हो गया बच्चों? तो क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, है ना, जो आपके क्रेस्ट हैं उसके टॉप मोस्ट पॉइंट की, या जो दो ट्रक है ना उनके बीच की डिस्टेंस अपन ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। बोलो। हो गया बच्चों? चलो आज अपन बात करते हैं बेटा, सुनो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है। आज अपन ले रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। देखो बेटा स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है जानते हैं क्या? स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है बच्चों अरेंजमेंट, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मीनिंग होता है अरेंजमेंट, है ना, आपको उनको अरेंज करना होता है। समझ में आ रही बात? अब जैसे देखो बेटा, जैसे मान लीजिए आपकी रैंक आती है, तो रैंक जो लिस्ट होती है उसमें बच्चों को मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है बच्चों। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपने अरेंज किया वो भी तो क्या है, वो भी तो एक स्पेक्ट्रम है। समझ आ रहा है?
क्लास में मान लीजिए आपने हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को अरेंज किया, वो भी एक स्पेक्ट्रम है, जिनकी हाइट कम थी उनको पहले बिठाया, जिनकी हाइट ज्यादा थी उनको बाद में बिठाया, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, जिनकी हाइट कम थी उनको पहले बिठाया, जिनकी हाइट ज्यादा थी उनको बाद में बिठाया, तो समझ में आया बच्चों? तो एग्जैक्टली ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे। तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंजमेंट क्या है बच्चों, देखो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है बच्चा, आपको क्या करना है, जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों उनको क्या करना है, उनको वेवलेंथ के या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो कैसे, देखो सुनो, जैसे सबसे पहले मैंने लिया आपको, ध्यान से समझना बेटा, देखो सबसे पहले कॉस्मिक रेस, फिर आती है बच्चों गामा रेस, है ना, फिर आती है एक्स रेस, है ना, फिर आती है बच्चों अल्ट्रा वॉयलेट रेस, है ना, फिर क्या आती है विजिबल लाइट। ठीक है बच्चों, विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है बच्चों, फिर आता है आपका माइक्रोवेव, एंड लास्ट में आता है बच्चों रेडियो वेव। आती है बच्चों, है ना, कॉस्मिक रेस। ठीक है, अब देखो बेटा ये सीक्वेंस हमें याद करना है। अब याद कैसे करेंगे, ये देखो बेटा सुनो, देखो इसको है ना, ये मैंने लिखा सी, है ना, फिर देखो बेटा सी के बाद जी एक्स यू बी, है ना, आई एम और आर, ये है बेटा। अब देखो कैसे याद करोगे, सी का मतलब आप बोलो क्यूट, जी का मतलब गड्डी, है ना, इसको देखो ये कौन सी गड्डी होगी, एक्स यू वी, होगी बच्चों, होगी, होगी बच्चों, होगी ना एक्स यू वी, है ना, फिर ये हो गया इन माई रेंज, क्यूट गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। देखो सी से हो गया कॉस्मिक रेज, है ना, जी से हो गया गामा रेज, एक्स से हो गया एक्स रेज, यू से हो गया अल्ट्रावायलेट रेज, वी से हो गया बच्चों विजिबल रेज, और आई से हो गया इंफ्रारेड, एम से हो गया माइक्रोवेव, एंड आर से हो गया रेडियो वेव। बोलो बच्चों याद हो गया, क्यूट गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, है ना, एक्सयूवी जानते हो सब, देखिए बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इस सीरीज में इधर से इधर जाए जाए बेटा, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, इनका लैम्डा लगातार बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ बेटा लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो सुनो एक बात और सुनो, जो हमारा जो विजिबल लाइट है, ठीक है ना, तो विजिबल लाइट में देखो ये है, ये जानते हो आप रिबग्योर, ये होता है कलर, तो जैसे जैसे बेटा अपन इसमें इधर जाते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा लैम्डा आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है बच्चों, बोलो फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। अच्छा विजिबल लाइट की अगर बात करें तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर क्या आता है 7600 एंगस्ट्रॉम तक, तो ये कलर पता ही होगा, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड
रेड। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? इससे क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना, क्या कहता है वो? वो कहता है देखो बेटा, एक्सरेज, है ना, इंफ्रारेड, फिर रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, है ना। तो अब बताओ, बता सकते हैं? देखो बच्चों, ये दोनों तो विजिबल में आते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले एक्सरेज आ जाएगा, एक्सरेज के बाद अब देखो बेटा क्या आएगा, ग्रीन, फिर रेड कलर, एंड बाद में क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड। बोलो बच्चों, सही है क्या? आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अपन ने बेटा एक हेडिंग डाली है, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, है ना। इससे आपके क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, 2021 में इस पे क्वेश्चन आएगा आपका, कंफर्म आएगा। अब देखो बेटा, ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना, आप ध्यान देना बेटा। देखो एक बार बताओ बेटा, अगर कोई सब्सटेंस है, सपोज मान लो ये सब्सटेंस है, ठीक है बेटा। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये सब्सटेंस में भी एटम हो सकता है, में भी मॉलिक्यूल हो सकता है, में भी आयन हो सकता है, हो सकता है बच्चों, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अब देखो बेटा, इस सब्सटेंस पर दो चीजें, क्या, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब करे, कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब करे, या ये हीट को एमिट करे, रिलीज करे, समझ में आ रहा है? या तो हीट को ले या हीट को दे। यहां से तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन, है ना, और यहां से क्या होता है, यहां ये रिलीज हो रहा है, या तो ये हीट को ले रहा है या ये दे रहा है, होता है ना बच्चों। जैसे आपने क्या किया, आपने ठंडे पानी को बाहर रख दिया इन्वायरमेंट के अंदर, तो ठंडा पानी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है बच्चों, इन्वायरमेंट से लेके। गर्म चाय को आप एक कंटेनर में रख दो, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी हो जाती है बच्चों। अब मुझे क्या आता बेटा, या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिलीज हो रहा है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो एब्जॉर्प्शन या रिलीज है ना, ये हमेशा और हमेशा क्या होता है बेटा, आपके इस तरह के ना पैकेट्स की फॉर्म में होता है, इस तरह के, ये पैकेट्स की फॉर्म है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, समझ रहे हो मेरी बात, ये एनर्जी के पैकेट्स, समझ में आ रही है ना। अब देखो बेटा सुनो, हमने क्या बोला, किसी भी सब्सटेंस से जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है, वो हमेशा और हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होता है। ये पैकेट्स है देखो बेटा, इनको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं, है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। अब देखो, ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, ये इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं देखो क्वांटा या क्वांटम, सिंगुलर और प्लूरल दो हो गए बेटा, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वांटा या क्वांटम है ना, ये आपके डिफरेंट साइज के हो सकते हैं बच्चों, हो सकते हैं ना। एक बार आता बेटा, आप मार्केट कोई चीज लेने गए, है ना, जैसे बिस्किट की बात करें, तो बिस्किट का आपको छोटा पैकेट भी मिल जाता है, 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है। बोलो पैकेट्स का साइज अलग अलग आता है? आता है बच्चों। बोलो बेटा, पैकेट्स का साइज, चॉकलेट लेके आओ आप, चॉकलेट की साइज छोटे से लेकर बहुत अलग अलग साइज के पैकेट मिल जाते हैं बच्चों। बोलो बेटा, मिल जाते हैं ना, समझ में आई बात? बोलो। अब देखो बेटा,
है ना, इन केस ऑफ लाइट, है ना, दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटोन, है ना। अगर लाइट है ना तो लाइट के केस में इनको अपन फोटोन बोल देते हैं, समझ आ गया। फोटो का मतलब ही लाइट होता है, आपको अगर पता हो तो, फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो देखो अब इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा हुआ कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। अब मुझे बताओ इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा या क्वांटम बोला। एक बात बताओ बेटा, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है, तो ये पैकेट्स आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, बोलो बच्चों। अलग अलग है ना, अरे आप चॉकलेट के पैकेट्स लेके आए तो अलग अलग होते हैं, बोलो। तो मुझे बताओ कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है, वो कैसा प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, बताओ बच्चों। एब्जॉर्प्शन और एमिशन डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है बच्चों, डिसकंटिन्यूस हुआ, समझ में आ गया। तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज ए डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, है बच्चों। ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब इसने क्या बोला, इसने एक रिलेशन बताया बच्चों, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात है बेटा, देखो सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 1 किलोमीटर का एक ट्रेक है, 1 किलोमीटर की लेंथ का एक ट्रेक है, ठीक है बेटा। दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना, दोनों का मास 1 kg है, ठीक है बेटा, दोनों का मास 1 kg है। एक की स्पीड है मान लो 100 meter per second, ठीक है, और दूसरे की स्पीड है 1000 meter per second। तो मुझे बताओ बेटा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ बच्चों, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कंफर्म है बी की होगी, ये तो सिंपल सी बात है, बी की ज्यादा होगी बच्चों ए से, बोलो। अब बी की जब ज्यादा है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो समझ में आ गया ना सबको, क्योंकि देखो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, मास आपने सिमिलर बोला। अब मुझे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो एक लिमिटेड टाइम में कौन ज्यादा इसके राउंड कंप्लीट करेगा, बताओ बच्चों। मान लो मैं कहता हूं कि 1 घंटे में कौन ज्यादा इसके राउंड कंप्लीट करेगा, ए करेगा या बी करेगा, कंफर्म जिसकी एनर्जी ज्यादा वही करेगा। अब मुझे बताओ 1 घंटे में जिसने राउंड कंप्लीट किए, इसका मतलब बी ने ज्यादा राउंड किया, तो बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई बच्चों, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई क्या, तो क्या मैं कहता हूं कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, क्या मैं ऐसा कह, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो 1 घंटे में ज्यादा राउंड कंप्लीट कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, बोलो बच्चों। क्या
ये समझ में आया आपको? अरे समझ में आया बच्चों? अरे किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है? हो गया बच्चों? चलिए, तो अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा, देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं बच्चों। अब देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ये यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ये आ गया बच्चों मेरे पास, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ ये जो एच है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता ही होगा, इसको बोलते हैं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? और यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट देखो कैसे निकालेंगे अपन, ऐसा करेंगे बेटा बोलो। अब मुझे बताओ एनर्जी की यूनिट आप जानते हो जूल होती है, फ्रीक्वेंसी की बच्चों वन अपॉन सेकंड होती है, क्या बोलो बच्चों? फ्रीक्वेंसी की वन अपॉन सेकंड, सेकंड इनवर्स होती है। तो मुझे बताओ कि एच की यूनिट क्या आ गई बताओ, जूल इंटू सेकंड आ गई, क्या आ गई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ एच, तो एच की वैल्यू देखो बेटा 6.62 इंटू 10^-3/4 जूल इंटू सेकेंड। एक ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा आपको एग्जाम में दी भी रहती है, ठीक है? सपोज अगर मुझे इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में बच्चों कितने अर्ग होते हैं सबको ही पता है, 10^7 अर्ग। तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों 6.62, है ना? ये आ गया देखो मेरे पास अर्ग पर सेकेंड। तो अभी तक हमारे पास बेटा ये एक फॉर्मूला आ चुका है, आगे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सी बात की हम लोगों ने। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास फॉर्मूला ये आया है एच न्यू। अच्छा बताओ न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है बच्चों, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, है ना? देखो बेटा ये कल हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे देखो पढ़ा था बच्चों न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, बोलो। अरे पढ़ा था, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है? अब एक चीज और सुनना डन से, देखिए आप मुझे बताओ H की वैल्यू जानते हैं आप? H की वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, ठीक है? अब देखो बेटा नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा लिख सकते हैं। देखो इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो बेटा जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो ध्यान से सुनना कि एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, देखो 19.86, है ना? ये आ गया मेरे पास और जूल इंटू मीटर। अब बेटा एक बार बताओ मुझे लैम्डा की क्या यूनिट लेनी चाहिए कि एनर्जी जूल में आ जाए, बताओ बच्चों? ऊपर देखो बेटा क्या है, ऊपर है जूल इंटू मीटर, है ना बच्चों? ऊपर है जूल इंटू मीटर है बच्चों। तो जूल इंटू मीटर में क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? इस मीटर को हटाना है बच्चों, इस मीटर को हटाना है। तो लैम्डा किसमें ले लो, मीटर में ले लो। तो मीटर में लोगे तो देखो बेटा मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी किसमें आ जाएगी बच्चों? एनर्जी किसमें आ जाएगी? जूल में आ जाएगी, क्या क्लियर है बेटा? एक तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना?
ये कार की चीज है। अब देखो बेटा सुनो, अब एक होता है बच्चों वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन ईवी है ना। ये वन ईवी क्या होता है कौन बताएगा? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कौन बताएगा? बोलो बच्चों, वेरी गुड अरुणा प्रजापत। देखो बेटा सुनो, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे समझो बेटा, है ना। देखो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ रखा है बच्चों, ये बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। बोलो बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चों, बोलो लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ जो वर्क होता है वही एनर्जी है ना, वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो एक ही बात है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? ये होता है बच्चों। तो मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से उसको क्या किया, एक्सिलरेट किया। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया, तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी इतनी आएगी ना बच्चों। बताओ जब आप एक इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करोगे तो उसकी एनर्जी की वैल्यू यही आएगी बेटा या कुछ अलग आएगी? यही आएगी ना, है ना। तो वो जो एनर्जी है ना बच्चों उसी को अपन क्या नाम देते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो देखो क्या बोलेंगे अपन, ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गया? तो अल्टीमेटली अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना हो गया, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। बोलो बच्चों क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 जूल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगे, 1 अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 ये आ जाएंगे बच्चों। अब बेटा एक बात, वन एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? बोलो बेटा वन एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं क्या? होते हैं बच्चों। तो बताओ वन मीटर में क्या हो जाएंगे बताओ, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे? हो जाएंगे बेटा। अब देखो, अब मेरे पास अभी जो फॉर्मूला आया हुआ ना वो ये देखो, 10 की पावर माइनस 26 और क्या था, जूल इंटू मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये था। अब देखो बेटा जूल की जगह यहां से वैल्यू उठा के रखेंगे है ना, और मीटर की जगह यहां से वैल्यू उठा के रखेंगे बेटा। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, इस जूल की जगह ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1.6 ये आ जाएगा है ना, और इस मीटर की जगह 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम ही आ गया बेटा। अब इस जब पूरी चीज को अपन सोल्व करेंगे है ना बेटा, इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे
तो बेटा ये क्या आएगा, देखो ये आएगा 1 2 का 4 00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। क्या ये समझ में आया? 1 2 का 4 याद आ जाएगा बच्चों, 1 2 का 4 00 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, है ना, मुझे एक चीज बताओ कि ऊपर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए है ना, तो मुझे यहां से किसको रिमूव करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को। एंगस्ट्रॉम को रिमूव करने के लिए लैम्डा की यूनिट बताओ, एंगस्ट्रॉम को रिमूव करने के लिए लैम्डा की, तो लैम्डा को फिर इसी में रखना पड़ेगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या यहां तक ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है बेटा? एक तो ये चीज और एक ये चीज। बोलो बच्चों, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इनसे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब देखो बेटा, सपोज जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास H की वैल्यू है 6.62 × 10⁻³⁴, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी दे रहा है 10⁵ सेकेंड इनवर्स, है ना। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, ये जो हमने निकाला है ना, ये क्या है, ये है 1 फोटोन, है ना, ये क्या है आपकी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये भी क्या है, ये भी बच्चों एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। तो चलो बताओ बेटा फटाफट करके, हाँ बेटा कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ये करेंगे बेटा, 6.62 × 10⁻³⁴ और 10³ ये हो गया बच्चों, आ गया है ना। अब देखो क्या करेंगे, हमें कहता है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। बेटा 1 मोल फोटोन का मतलब समझ रहे हो आप, 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं बच्चों, 6.023 × 10³⁔ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या बच्चों हो गया। अब ठीक है बेटा आगे चलते हैं, देखो सुनो, अगर ये बोले कि फ्रीक्वेंसी जब 10⁵ है तो एनर्जी E1 आपकी 10 जूल है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी 10⁻²० हो जाएगी तो एनर्जी बताओ क्या होगी, बता सकते हैं बेटा? बहुत ही आसान है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना एक ही फंडा है, रेशियो लेना चाहिए आपको, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक ही फंडा होता है, रेशियो ले लीजिए। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, E2 H𝛎2, E1 H
न्यू वन हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई टू आ जाएगा बेटा, ई वन न्यू टू, ई वन है टेन टू, और ये हो गया आपका टेन की पावर ट्वेंटी और टेन की पावर फिफ्टीन। तो बच्चों ई टू क्या आ गया, टेन की पावर सिक्स आ गया। बच्चों बोलो क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि जब लैम्डा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम है तो एनर्जी ईवन है 10 जूल है ना, तो जब लैम्डा आपने ये कर दिया है ना बेटा, तो बताओ एनर्जी क्या हो जाएगी है ना, ये बताना बेटा आपको। बताओ बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 10/3। देखो एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन है बेटा, एच सी बाय लैम्डा ना, तो क्या लिखोगे देखो, E2 HC upon lambda 2, E1 और HC upon lambda 1, ये करोगे बेटा। अब देखिए क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला lambda 1 upon lambda 2, क्लियर बच्चों? यहां से देखो E2 क्या गया, E1 lambda 1 लैम्डा टू, ईवन है बच्चों 10, लैम्डा वन था 4000, ये हो गया बच्चों इस तरह से, ये चला गया तो ये आ गया 10/3 आ गया बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है चलिए बात को आगे लेते हैं। देखो बेटा एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, सी दे रहा आपको 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। वैल्यू देख लेना बेटा, लाइट की वेलोसिटी की यूनिट देख लेना आप, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 10 की पावर 15 हर्ट्ज, तो लैम्डा इन नैनोमीटर विल बी, बताओ बच्चों बताओ, वेरी गुड सुब्रत रॉय हर्ष, ये बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना हिस्ट्री में जब पहली बार नीट हुई थी ना तब आया था ये, भविया गलत कर रहे हो बेटा आप। देखो सुनो, यहां वैसे इस H की वैल्यू का ना कोई रोल ही नहीं है, H की वैल्यू कोई काम ही नहीं आएगी। भुवन बहुत बढ़िया बेटा, भुवन चौधरी वेल्डर, देखो न्यू क्या होगा, C बाय लैम्डा होगा बच्चों, तो लैम्डा क्या हो जाएगा C अपॉन न्यू, C दिया हुआ आपको 3 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 की पावर 15, ये दिया हुआ है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 300 नैनोमीटर, ये बचेगा बच्चों, बोलो बेटा। आपको पूछा इसने नैनोमीटर में, चेक करो
इसने पूछा बच्चों नैनोमीटर में है, क्लियर है क्या बात? ठीक है बेटा, अब देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ मीटर, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इन किलो जूल एंड किलो कैलोरी। बताओ बच्चों, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है ना? तो आपको ये बतानी है बच्चों, बेटा इस थ्योरी को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इस थ्योरी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आता ही है। देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला बेटा ये है, HC/λ 6.62 × 10⁻¹⁴ जूल इंटू सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है बेटा। और नीचे क्या लिखा हमने, 3 × 10⁻¹⁸ मीटर लिखा, लिखा बच्चों। अब देखो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ बेटा। तो देखो 6.62, ये 10⁻¹⁴ और ये हो गया देखो 10⁻⁶, है ना बेटा? तो ये जो जूल में आ रहा है 6.62 × 10⁻¹⁴, आप इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, जूल में आ गया, आ गया। आपको आंसर किसमें पूछ रहा है? किलो जूल में पूछ रहा है। देखो बेटा, तो बताओ अपन क्या बोलेंगे बेटा, एनर्जी इन किलो जूल, 6.62 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या वैल्यू ये हो जाएगी? क्या हो जाएगी बच्चों? हो गया, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है, आपका 4.2 किलो जूल की इक्वल होता है क्या? 1 किलो कैलोरी 4.2 किलो जूल की इक्वल होता है। मैं कह सकता हूं कि 1 किलो जूल 1/4.2 किलो कैलोरी इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू यहां रख दो। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, एनर्जी इन किलो कैलोरी 6.62, ये बेटा ये आ जाएगा और ये आंसर किलो कैलोरी आ जाएगा बच्चों। बोलो, सोल्व कर लेंगे आप इसको? क्लियर हुआ बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बताओ, देखो बेटा मैं आपसे एक बात पूछता हूं सिंपल सा, कि लैम्डा है 1986 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि टू प्रोड्यूस 1 जूल कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटॉन्स। बताओ बच्चों, लैम्डा 1986 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है? आपको कहता है कि 1 जूल एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना? तो जब 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो आपको बताना है कि कितने फोटोन चाहिएगे।
वेरी गुड अभिषेक ओझा, वेल डन बेटा, अभिषेक ओझा बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा सुनो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वेरी गुड आंचल अरोड़ा, बहुत बढ़िया। देखो हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था बेटा, देखो 19.86 इंटू 10^-26 लिखा बच्चों, जूल इंटू मीटर, देखो लिखा था ऊपर थोड़ी देर पहले कहीं आया था, देखो ये पढ़ा 19.86 इंटू 10^-26 जूल इंटू मीटर। अब देखो बेटा जब ये जूल इंटू मीटर है तो लेमडा हमें किस में रखना पड़ेगा बच्चों, लेमडा हमें किस में रखना पड़ेगा, मीटर में ना। तो देखो बेटा 1986 इंटू 10^-10 मीटर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। देखो बेटा ये आ गया मेरे पास 100 है ना बेटा, तो अब बताओ मेरे पास इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 10^ बोलो बेटा -18 जूल आ रहा है। इतना समझ में आ गया सबको, इतना सबको समझ में आ गया, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ गई। इसका मतलब ये हुआ देखो 10^-18 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 फोटोन है बेटा। तो बताओ 1 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कितना हो जाएगा, 10^18 फोटोन हो जाएगा बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। फिर देखो बेटा सुनो, आपको अगर ऐसा बोले कि लैम्डा 50 पिकोमीटर है, ठीक है बेटा, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 फोटोन, बताओ बच्चों लैम्डा 50 पिकोमीटर है, ठीक है, तो एनर्जी आपको 1 फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखो हमने एनर्जी का क्या सीखा था, ये सीखा था बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में लेना है। अब देखो बेटा सुनो, लैम्डा आपको इसने दे रखा है 50 पिकोमीटर, तो क्या मैं इस 50 पिकोमीटर को मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो बच्चों 50 पिकोमीटर को ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो बच्चों। अरे पिकोमीटर 10^-12 होता है ना। अब देखो बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 10^-10 इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना आया, कितना आया लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, इतना आया खुशी गोयल, बेटा समझ में आया आपको, खुशी गोयल समझ में आया, अब देखो बेटा अब क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो देखो बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 50 × 10^-2 एंगस्ट्रॉम, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, हो गया बच्चों सोल्व हो जाएगा, आसान है, आगे चले बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो एक पॉइंट समझना, देखिए मान लीजिए ये कोई एक गैस का एग्जांपल है बेटा, ठीक है, एक गैस का एक सैंपल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने बेटा एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए एनर्जी ई का, ठीक है,
एनर्जी ई का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया और उसको वापस दो अलग अलग एनर्जी के फोटोन के फॉर्म में एमिट कर दिया, है ना। ये ठीक वैसे है जैसे बच्चों अपन अपन पैसे छुट्टे करवाते ना, आपने किसी को 100 रुपए दिए तो वो क्या करता है 50-50 के वापस आपको 2 दे दे, हो गया ना। फोटोन लिया एक और दे उसने 2 दिए। अब हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी है, आपको 10-10 के 10 नोट दे दे। अभी एक बार मैं 2 लेके चलता हूं बेटा। अब देखो सुनो, आप अगर बेटा यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, देखो बेटा इक्वल्स टू E1 प्लस E2, बोलो सही बात है क्या, ये होगा ना। 100 रुपए के नोट दिए, 50-50 के 2 आ गए। अब देखो बेटा क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बेटा लिख सकता हूं यहां से देखो क्या ऐसा आ जाएगा बेटा, न्यू इक्वल्स टू N1 प्लस N2, हो गया बच्चों। अब बताओ क्या इस न्यू की जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, सी अपॉन लेमडा 1 प्लस सी अपॉन लेमडा 2, हो गया बच्चों। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1 अपॉन लेमडा आ गया 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, बोलो बच्चों आ गया क्या, आ गया बच्चों। ये याद करो, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हो बेटा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो बेटा वेवलेंथ में तो, वेवलेंथ में तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में बताओ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया बच्चों, बोलो बेटा ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे एक बार आपके AI में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, उसने ये बोला कि देखो साहब एक सैंपल, गैस का एक सैंपल है, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया बेटा 800 नैनोमीटर का, ठीक है। इसमें से इसने ना एक फोटोन तो इसने 1000 नैनोमीटर का एमिट कर दिया, तो दूसरे फोटोन की वेवलेंथ बतानी है तो बता देंगे, बोलो बच्चों इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया उसमें से उसकी वेवलेंथ कितनी बताई इसने, 800 नैनोमीटर, समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो एक फोटोन एमिट हुआ 1000 नैनोमीटर का, तो दूसरा बताना है, तो इतना आसान क्वेश्चन है आराम से कर देंगे अपन, 1/1000 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, कर सकते हैं तो सोल्व कर लेंगे बेटा 1/λ2, बोलो बेटा कर लोगे क्या, तो बताओ लेमडा 2 क्या आ रहा है, आ रहा है बच्चों, ठीक है तो लेमडा 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, आ गया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं कहता हूं देखो इस एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा, है बेटा ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको क्या किया कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन दिया, ठीक है ना। ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड वो है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए बॉन्ड की फोर एनर्जी जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है ना वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या कहता है, देन कैलकुलेट
kinetic energy of each atom after dissociation of A2 molecule into E. बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? Calculate kinetic of each atom, है ना? तो हमें हर एटम के बताने हैं बेटा. वेरी गुड. देखो बहुत ही आसान है. सबसे पहले देखो, देखो बेटा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय वन मॉलिक्यूल कितनी आई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. यूज्ड एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, बोलो बच्चों, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी काम आ गई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बताओ क्या अपन कह सकते कि कितनी एनर्जी बच गई? रिमेनिंग एनर्जी फॉर 2 एटम्स. बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई. अब मुझे बताओ 2 एटम के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ कि एनर्जी ऑफ ईच एटम क्या करोगी? 1/2 इक्वली डिवाइड होगी बच्चों. बोलो बेटा क्या ये सबको समझ में आया? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट. आप बताओ बेटा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. बोलो बेटा 1 फोटोन की एनर्जी होती है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, बोलो Hcλ. किसी को डाउट? अब मुझे बताओ अगर मैं कहता हूं कि एनर्जी ऑफ कैपिटल एन फोटोन, ये कैपिटल एन ध्यान रखना बेटा, एवोगैड्रो नंबर नहीं है. तो मैंने लिख दिया एन इंटू Hcλ. इतना समझ में आया? 1 फोटोन की एनर्जी ये है तो एन फोटोन की कितनी होगी? लिख दिया. अब मुझे बेटा एक बार बताओ, आप लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है? पावर का फॉर्मूला बताओ बच्चों. एनर्जी अपॉन टाइम होता है. पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है. तो देखो क्या करेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम. तो देखो इसकी जो एनर्जी है वो तो ये थी और टाइम मैंने टी कर दिया, ठीक है. एनर्जी की वैल्यू तो मैंने ऊपर से रख दी बेटा. अब देखो इस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना. ये क्या? देखो बेटा ये जो एन बाय टी है ना, एन क्या है? ये है टोटल फोटोन और टी क्या है? आपका टाइम है. बताओ तो इसका मतलब समझना. जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में मान लीजिए आपके 10,000 फोटोन एमिट हुए, तो बताओ 1 सेकंड में कितने होंगे? ये होंगे बच्चों 10 सेकंड में अगर 10,000 फोटोन, तो 1 सेकंड में 1,000 फोटोन हो गए बच्चों. तो आपने किया क्या है, टोटल फोटोन को जब टाइम से डिवाइड किया तो बेटा एग्जैक्टली ये जो चीज आई वो क्या है? वो स्मॉल एन और वो क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड. क्या बोलो बच्चों, सही है क्या? अरे ये बात समझ गई. कैपिटल एन बाई टी को अपन क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड. तो अब देखो बेटा मैंने क्या किया, ये पावर जो था इसकी जगह मैंने लिख दिया एन इंटू Hcλ. लिख सकते हैं बच्चों. यहां से देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? Pλ/x. ये समझ आया बच्चों? ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा? अब देखो सुनो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना. मैंने क्या किया, ये n है बेटा, ठीक है, ये p और ये लैम्डा. बेटा देखो h की वैल्यू मैंने इसमें रख दी जूल इंटू सेकेंड, c की वैल्यू मैंने इसमें रख दी मीटर पर सेकेंड.
रख दी बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने सारी वैल्यूज रखी है वो वैल्यूज कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग रखी है, सीजीएस या एमकेएस? बताओ बच्चों, ये एमकेएस सिस्टम है ना, सबको समझ में आ रहा है, एमकेएस सिस्टम है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा बेटा 5 × 10^24 पी लैम्डा, सोल्व करने भी आएगा। अब मुझे बताओ, जब आपने एच और सी की वैल्यू एम के सिस्टम में रखी तो मुझे बताओ कि आपको पावर और लैम्डा इन दोनों की वैल्यू भी किस यूनिट में रखनी पड़ेगी, बताओ एमकेएस। देखो बेटा, पावर की यूनिट क्या लोगे, फिर आप वोट लोगे, पावर की यूनिट वाट होती है बच्चों, है ना, 60 वोट का बल्ब। और लैम्डा की यूनिट किस में रखोगे बताओ बच्चों, मीटर में रखोगे, मीटर में रखोगे। ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपको क्या चाहिए, फोटोन पर सेकंड चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान ये रखना पावर की यूनिट वोट होनी चाहिए और लैम्डा की यूनिट मीटर होनी चाहिए। जैसे देखो बेटा, सुनो बेटा, देखो ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से अगर मैं कहता हूं कि मान लो इसकी पावर है 100 वॉट, ठीक है बेटा, और इससे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो इतनी हो रही है ना बेटा, ये तो ये बताता है आपसे, पूछता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विच विल रिलीज इन 1 आवर, 1 घंटे में इससे कितने फोटोन एमिट होंगे, है ना बेटा, ये बताना है। तो पहले 1 सेकंड में तो बता ही सकते हैं बच्चों, बताओ नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकंड, बोलो बच्चों बता सकते हैं क्या, 1 सेकंड में फोटोन, बोलो 5 × 10^24 पावर दे रखा है, लैम्डा आपको ये दे रखा है, इस एंगस्ट्रॉम को बोलो बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बेटा सुनो, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 आवर, तो बताओ 1 सेकंड में निकाल लिया, अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 × 60 ये करेंगे बच्चों, तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 5 × 10^24। फिर × 600 सोल्व कर लेंगे बेटा, बोलो सोल्व कर लोगे आप, आ गया समझ में बेटा, प्लांक की क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई सबको, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्लियर है क्या बेटा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इससे, ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, हर साल आता है। अच्छा एक दो बेटा, एक ग्राफ भी देख लो इसका, सुनो अगर मैं ये बोलूं, देखो ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा बेटा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में। और अगर आपको ये बोले कि एनर्जी और लैम्डा में ग्राफ बनाना है तो ऐसा आ जाएगा क्या बेटा, आ जाएगा, बोलो आ जाएगा बच्चों, आ गया समझ में। अब बताओ अगर आपसे ये बोले कि बताओ आपको ग्राफ बनाना बेटा एनर्जी एंड 1/λ के बीच में, अब बताओ कैसा ग्राफ आएगा,
एनर्जी एंड वन अपॉन लैम्डा। देखो वन अपॉन लैम्डा का तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, वन अपॉन लैम्डा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, हमारे पास ये बेटा तो अपन इसको कैसे ले सकते हैं, लोग ई, लोग एच एंड लोग न्यू। तो अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए किस किस के बीच में, लोग ई और लोग न्यू के बीच में, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, बोलो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन चलते हैं वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, है ना, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। अपन इसमें सबसे पहले लेते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, या इसी को आप क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, है ना। एक बात बताओ बच्चों, ये जो इसने मॉडल दिया था, है ना, इस मॉडल से रिलेटेड बताओ इसने क्या बोला था, कौन बताएगा आपने से? थॉमसन ने एटम के अंदर जो एटम की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इसने किन किन पार्टिकल के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया था, कौन बताएगा? इसने किस किस पार्टिकल के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया था, बताओ बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और बोलो बच्चों, इसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, आप बताओ इसने न्यूट्रॉन को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, इसने न्यूट्रॉन को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, बताओ बच्चों? बोलो, थॉमसन ने, आप कह रहे हो कि साहब अरेंजमेंट समझाया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, है ना, तो इसने न्यूट्रॉन, वेरी गुड। देखो देखो बेटा, ये मॉडल दिया गया था आपका, पता है क्या ये मॉडल कब दिया गया था? ये मॉडल दिया गया था 1898 में, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? लगभग 1932 में, है ना बच्चों? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, वो कब हुआ था? 1932 में। तो जब न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं है ना। अब देखो बेटा सुनो, जब आप वाटरमेलन को काटते हैं ऐसे दिखता है बच्चों, वाटरमेलन को। अब देखो बेटा, ये जो आपको रेडिश कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये जो रेडिश कलर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये बच्चों, ये है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, मतलब प्रोटॉन है, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है जो प्रोटॉन है। अब देखो बेटा सुनो, अब इसने क्या बोला कि इसके अंदर बीच बीच में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन बताए, ये इसने बच्चों क्या बताए, ये इसने बताए बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो एक बार बताओ, इसने जो अरेंजमेंट बताया ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में चिपके हुए ना, बोलो बच्चों, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन आपस में चिपके हुए हैं। एक बात हो, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या
इलेक्ट्रॉन अलग रहते हैं एंड प्रोटॉन अलग रहते हैं, तो बताओ थ्री ए मॉडल क्या है, स्लोप स्लोप है या हिट है, बोलो ये कैसा हुआ स्लोप मॉडल हुआ। इसकी सिर्फ एक ही चीज काम की है बच्चों, बताओ इसकी एक ही चीज काम की है, क्या काम की चीज है, इसने ये बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, इसका मतलब इसने एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, इसने दोनों चार्ज को एक्सप्लेन किया ना बच्चों, बोलो इसने दोनों चार्ज को एक्सप्लेन किया, किस किस को, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो मुझे बताओ जब इसने दोनों चार्ज को एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब इसने क्या किया है ना। आप देखिए बच्चों अपन ऐसा बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इक्वल नंबर है ना बच्चों, ये बात सही है क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नंबर में, बोलो बच्चों है ना। अब देखो बेटा क्या कह सकते हैं कि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोलो बच्चों ये बात समझ आ गई, आ गया समझ में, तो इस मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, बाकी ये मॉडल कोई काम का नहीं था है ना, न्यूट्रॉन को इसने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि न्यूट्रॉन उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था बच्चों, क्लियर है, बोलो बच्चों ठीक है। श्रीयान रेपसवाल इधर देख बेटा, ये एनर्जी की इक्वेशन है एच न्यू, लॉग के रूल पढ़े हैं तुमने, लॉग में क्या होता बेटा जब कोई दो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है ना तो उनको क्या करते हैं अपन, एडिशन कर देते हैं, तो लॉग एच और न्यू, एच और न्यू मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉग लेने पर इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, समझ में आया क्या, अरे लॉग लेने पर इनका एडिशन हो जाएगा, क्लियर है क्या। प्रिया रेपसवाल चलो बच्चों तो कल अपन इससे आगे चलेंगे है ना बेटा, कल अपन इससे आगे चलेंगे, अभी हमें देखो बेटा रदरफोर्ड।